कल दिन दिहाड़े एक व्यक्ति का गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। कसूर उसका यह सीगा कि उसने नशा छड़ाऊ कमेटी का मैंबर सीगा अते लोकां नू नशे करन तो रोक रहा सीगा। पिंड विच जो नशे के तस्कर ने उन्होंने गोलियां मार के उसनू मौत दे घाट उतार दिता। परिवार ने संस्कार करन तो मना कर दिता। बंटी रवाणा साहब साडे नाल मौजूद ने। रवाणा साहब, सब तो पहले बड़े दुख की घटना हैगी है, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया इस गल नू लैके। की समझते हो इस वक्त हालात कहो जिहे नज़र आ रहे हैं? दुख की गल भी है जी, तो दिल नू दहलाउण वाली घटना भी है। जिस दलेरी नाल इन्हां बंदियां ने कतल किया, जिन्हें इन्हां दे हौसले वधे है, हुण तुसीं वेखो ढिलवां पिंड च इह वाकिया होया। साडे साधक दे नाल ही ढिलवां पिंड है। दो दिन पहलां उत्थे नशा विरोधी कमेटी बनाई जाती है, परसों एक दिन बाद जिहड़ा पता सी भी पिंड च आ फलाने बंदे नशे का कम करते हैं, उन्हां नू वार्निंग दित्ती जाती है कमेटी वालों तो पंचायत वालों, सारे पिंड का सहयोग से इन्हों भी तुसी ये काम बंद कर दो। तो कल जो पंचायत होंगी है पिंड 150-200 बंदा कट्ठा है, वो 150 बंदे दे 200 बंदे दे सामने सीधी गोली मार के नौजवान हर भगवान का नाँ से बिजली का काम करता सी, सारे पिंड के काम आता सी, सांझा बंदा सी, गोली मार दी जाती है, कतल कर दिया जाता है। जो नशा विरोधी कमेटी के मैंबरां नू टारगेट करन लग गए ये नशा तस्कर, तो फिर ये लड़ाई कौन लड़ूगा यार? पिंड की पंचायत च दलेरी नाल एडी हौसले नाल कतल कर देना, मतलब दलेरी तो एक गलत शब्द मैं वरत रहा प्रोबेबली, मतलब इन्नी दरिंदगी नाल कतल कर देना, तुसीं दसो फिर जिहड़े लोग लड़ाई लड़दे कि उन्हां दे हौसले ना टुटणगे? तां कोई रैसट होई दस्सिया कुछ तुहानूं? कुछ बंदे रैसट होए है, बट पिंड वालियां दी परिवार दी इलाके वालियां दी मंग है कि दो तीन बंदे रैसट करके काम नहीं चलना। जिहड़े बंदे इहदे पिछे है, क्योंकि वह बड़ी दलेरी नाल पिंड वालियां नू हिक ठोक के कहिंदा हुंदा सी कि मेरा कुछ नहीं कर सकदे तुसीं, मेरे मगर बहुत वड्डियां शक्तियां है, तुसीं मैनूं फड़ाओगे मैं बंदा मार के भी 3 महीने बाद बाहर आ जाऊँगा। सो वो जिहड़े पिछे शक्तियां है उन्हां नू आइडेंटिफाई करके उन्हां दीआं अरैसटां होण, फिर उन्हां चिर ना तो संस्कार होना तो ना पोस्टमार्टम होना। बई हुण की लगता किस तरीके नाल इंसाफ मिल सकदा परिवार नू? बच्चे छोटे छोटे ने, करदे हालात भी ठीक रहे, यही मांग करते मान ला भी जो हम मान लिया इन्होंने फांसी सज़ा दी जाए जिन्हें भी ये है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आई सारा इन्होंने घर जाड़ के रखता जी। ये तो अगे पहला भी इतने सके असले का सी केस ही, तो पहला भी थोड़े चिर च बहर आया जी, हूँ फिर करता जी इन्हें, तो यही करते हैं कहने भी इन्हू जिन्नी भी सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। संस्कार किया जाएगा या नहीं? नहीं सर, जिन्ना चिर नहीं होंगे फड़े जाते सारे पंजे मुजरम जी, उन्ना चिर नहीं किया जाऊगा। हाँ जी, हाँ जी, की करें भाई सर? अभी उन्होंने फांसी की मांग करते हैं, मैं कुड़ी का भरा जी, फांसी की मांग करते, उन्होंने बंदे फांसी होनी चाहिए जी। बिल्कुल तस्वीर तुम वेखी कि लोग किस कदर तंग ने इस चीज़ तो, कि एक कायरता पूर्ण जिसनों आप कह सकते काम किया गया एक व्यक्ति वालों शरेआम गोलियां मार के एक नौजवान का कतल कर दिया जाता है। परिवार भी छोटे छोटे बच्चे ने, उन्हों की भी जिम्मेदारी जी है कितना कितने हूँ दूजे परिवार से पवेगी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि परिवार ने हूँ गल कही है कि जो तक इंसाफ नहीं मिलता उद तक मृतक हर भगवान का संस्कार नहीं किया जाए। फिलहाल देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर हूँ तक की कुछ कहना है। तो ज़्यादा जानकारी ऑफिसर साढ़े नाल मौजूद ने। सर, सब तो पहले जान लें घटना किस तरीके की, कई तरीके की अफवाह उड़ रही ने घटना लैके, एक्चुअल घटना सी की? थाना साधक दे विच ढिलवां पिंड दे विच एक पंचायत ने कमेटी बनाई सीगी, नशा छड़ाऊ कमेटी कह लगे, वो जिहड़े जिहड़े बंदे उन्हां नूं शक सी ये नशा करदे आ जां वेचदे आ उन्हां नूं वो समझाउण गए सी। उन्हां च इक अवतार सिंह तारी भी सी इहदे घरे गए सीगे, और जदों इहदे घरे गए सी उत्थे थोड़ा बहस बसैया होया सी इहनां दा आपस विच इस गल नूं लैके। फिर इन्हां ने पंचायत दे विच अवतार सिंह तारी नूं बुलाया सी, तां उत्थे इह जिहड़ा इन्हां दा आपस विच जिहड़ी झड़प हो गई, तो उत्थे इह अवतार सिंह तारी वल्लों जिहड़ा सीगा एक घटना जिहड़ी वापरी आ उहदे विच एक बंदे दी मौत हो गई, गोली चल गई सी उत्थे। उहनां चों 5 बंदिआं दे खिलाफ मुकदमा दर्ज सी टोटल, उहनां चों 3 बंदे असीं जिहड़े गिरफ़्तार कर ले आ, 2 रहि गए उह वी जल्दी गिरफ़्तार कर लवांगे। सर, इह गोली चलाई किस व्यक्ति ने सीगी? किस व्यक्ति ने? जो दसन मुताबक ये जिहड़ा हैगा अपना दोषी अमनदीप सिंह कप्पा, उस वलों गोली चलाई दसी जा रही, उन्हें असी अरैसट कर लिया। कि सर कोई होर भी इंजरीज हुई ने? नहीं, होर कोई इंजरीज नहीं, एको ही सीगा जिहड़े बंदे की डैथ हुई है, हर भगवान सिंह की एको ही है। परिवार की मंग सी जो तक अरैसट नहीं होंगी सारे आरोपियों की संस्कार नहीं किया जाएगा, 3 अरैसट कर चुके हो,
ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸਲ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ 3 ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਨੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਦਿਕ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।